आज मैं एनालिटिकल डिवीजन आर्बो फार्माटिकल्स के सामने खड़ा हूँ। आज हम इस लैबोरेटरी के अंदर अपना मॉस्किटो रेपेलेंट टेस्ट करेंगे। आइए चल के अंदर देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है और इस टेस्ट में कौन से प्रोडक्ट वो बाजी मारते हैं, कौन से प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। अभी मैं आर्बो लैबोरेटरी के लैब के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये लैब के अंदर हूँ और अभी मॉस्किटो रेपेलेंट पे टेस्ट किया जाएगा। आपको दिखाता हूँ कि ये टेस्ट कैसे करते हैं। आइए अंदर चलते हैं। हमारे मच्छर लैब में आ चुके हैं, हमारे लैब असिस्टेंट नेट में लेके मच्छरों को आ चुके हैं। अब हमारा टेस्ट जल्दी शुरू होने वाला है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे लैब असिस्टेंट मच्छर को मच्छरदानी के थ्रू उस ग्लास चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं। देखिए आप, ये मच्छरदानी है, एक स्मॉल विंडो है जिसके थ्रू ये मच्छर अंदर जाए जा रहे हैं। मैं अभी लैब असिस्टेंट जी के साथ खड़ा हूँ और लैब असिस्टेंट जी से पूछते हैं कि एक मॉस्किटो रेपेलेंट टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। जैसा सर आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त ग्लास चैम्बर है जिसमें हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की 24 से 28 के बीच होना चाहिए और ह्यूमिडिटी है 55 से 75 के बीच होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं हमारी कंट्रोल है 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है और ह्यूमिडिटी 57 आ रहा है। इसके बाद हमें इसमें एक टाइमर की ज़रूरत पड़ती है जो हमने ऊपर स्टॉप वॉच लगा के रखा है। जब इसे टेस्ट स्टार्ट करेंगे लिक्विडाइजर से, उसके बाद इसमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमने एलएफटीन कॉन्टेंट किया है सैंपल में, पहले इसके लिए हमने स्टैंडर्ड और टेस्ट प्रिपरेशन किया है। 1 ppm कंसंट्रेशन किया है, DCM में किया है। पहले स्टैंडर्ड हमने बनाया है और उसको फिर हमने GC में इंजेक्ट किया है और उसके बाद फिर रेगुलर टाइम ख़त्म होने के बाद हमने टेस्ट प्रिपरेशन जो था हमारा उसको हमने इंजेक्ट किया। फिर एक पर्टिकुलर रिटेंशन टाइम हमें मिला, दोनों को फिर हमने एरिया कंपेयर किया है, दोनों को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन पे जो उसका रिजल्ट आते हैं लेबल क्लेम से, वो 1% से कम आया है क्योंकि कस्टमर के लिए वो सेफ और ठीक है। जैसे कि अभी हमें लैब असिस्टेंट बता चुके हैं कि इसमें किसी भी ब्रांड में, किसी भी 5 ब्रांड में 1% से ज़्यादा केमिकल नहीं पाया गया है, तो ये ब्रांड सेफ है। अब हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच चुके हैं जिसमें हम मॉस्किटो रेपेलेंट जो है हमारी मशीन है वो आप उसके अंदर डालेंगे। टाइमर हम स्टार्ट कर ही देंगे, ये टाइमर 20 मिनट पे हम सेट करेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं लैब असिस्टेंट इस मशीन को अंदर डालते हैं, मशीन ऑन करके अंदर डालती है क्योंकि ये हीट एलिमेंट वरना 15 सेकंड का डिले हो जाता है। आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट अब इस मशीन को अंदर डालेंगे, देखिए कैसे डालते हैं। देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी रेपेलेंट जो है मॉस्किटो रेपेलेंट अंदर जा चुकी है और लैब असिस्टेंट जी ने उस विंडो को फिर से ब्लॉक कर दिया है। अब जैसे कि हमारा टेस्ट ऑन है और हमारे इसमें जो 30 मॉस्किटोज थे, अब मॉस्किटो रेपेलेंट 17 मिनट 17 सेकंड से ऑन है और अभी इसमें से हमने 20 मॉस्किटो नॉक डाउन हो चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्लास कंटेनर, मैंने एक अप्रॉक्सीमेट 30 मॉस्किटो इसमें हमने डाले थे।
जिसमें से आप देख सकते हैं मेरा अभी 20 मिनट्स पूरे भी नहीं हुए हैं और इसमें करीब 28 करीब मॉस्किटो नॉकडाउन हो चुके हैं। तो ये हमारे सिंपल कंसीडर में, मतलब ये टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड में है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको टेस्ट कर दिया है। आज हमारा कंज्यूमर वॉइस का जो लैब टेस्ट था मॉस्किटो रिपेलेंट का, आज हमारा जो ये सी मार्क आप देख रहे हैं इस पे, इसको 50% पे हमने टेस्ट किया कि 50% लिक्विड जब इसमें बचता है तो ये कितना इफेक्टिव होता है। देख सकते हैं कि इसमें जितने हमने 30 मॉस्किटोज डाले थे उसमें से ऑलमोस्ट एवरी मॉस्किटोज नॉक डाउन हो चुके हैं। अब हमारा आज का ये मॉस्किटो रिपेलेंट टेस्ट इसी के लिए था कि मॉस्किटो रिपेलेंट टेस्ट की इफेक्टिव है या नहीं है। अब तब तक के लिए मैं साद रिजवान कंज्यूमर वॉइस के लिए।